एनजीसी आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा चुराने वाले को पकड़ा है जो दिन दहाड़े नजरों के सामने से ऐसे ऑटो चुरा कर ले जाता है जिससे किसी को ऐसा लगता ही नहीं कि ये चोर है। इस आरोपी का नाम आकाश पाटिल है जो वसई विरार के भोईड़ापाड़ा का रहने वाला है। इस शातिर चोर ने पिछले कुछ महीनों में वसई विरार के कई इलाके जैसे शांति नगर, भोईड़ापाड़ा, मकानपाड़ा, नाइकपाड़ा ऐसे जगह से दर्जनों रिक्शा चुराई थी। इस मामले में मीरा भयंडर वसई विरार की पुलिस ने आरोपी को सफल पूर्व पकड़ा है और इसके पास से 7 ऑटो रिक्शा बरामद किए हैं जिसकी कीमत लगभग 6,10,000 बताई जा रही है। ये आकाश पाटिल जो आरोपी है उसको गुना नंबर 556/22 379 उसमें अरेस्ट किया है 16 तारीख को और उसको इंटरोगेशन के दरमियान उसके पास से 7 ऑटो रिक्शा बरामद हुए है। उसमें से 4 पेलर पुलिस स्टेशन में गुने दाखिल है, 2 वाली पुलिस स्टेशन में दाखिल है और 1 भिवंडी में दाखिल है और एक रिक्शा बरामद हुई है उस बारे में कंप्लेंट वाली में लिखी जा रही है तो उसको अगर पकड़ेंगे तो 8 गुने होंगे और उसके अलावा भी हमने और एक रिक्शा पकड़ी है। यानी अभी तक वो रिक्शा कहाँ से उसने चुराया वो हमें पुख्त जानकारी नहीं है, जब वो जानकारी मिलेगी तो उसकी भी जानकारी आपको दे देंगे। कुल मिला के आप समझो कि 9 ऑटो रिक्शा हमने बरामद किए। तो इसका कोई हिस्ट्री शीट है सर, किस तरीके का ये आरोपी इतने सारे रिक्शा अकेले चुरा डाले उसने? अभी उसकी उम्र आप देखें तो 22 साल का है, वो रहने वाला भिवंडी का ही है, उसके भाई के पास भोईड़ापाड़ा में अभी भी फिलहाल रहने आया था। तो उसका धंधा ये है कि ऑटो रिक्शा चोरी करना और 20 से 25 हज़ार को लोगों को बेचना और ये कहकर कि भाई ये रिक्शा RTO ने रद्द किया हुआ है, ये किसी काम का नहीं है, ये नल्ला रिक्शा है, ऐसा वो बोल के लोगों को सस्ते दाम में बेचते थे और लोग भी खरीद लेते थे।